हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में खेलने वाला हूँ CSK वर्सेस RCB इन क्रिकेट 19, वो भी गाइस सुपर ओवर में। तो गाइस गेम प्ले बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे मेरी टीम है RCB, तो गाइस हम लोग सुपर ओवर में खेलने वाले हैं। तो गाइस चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको डायरेक्ट लेके चलते हैं टॉस के अंदर और दिखाते हैं टॉस कौन जीतता है। तो गाइस मैंने यहाँ पर मैच स्टार्ट कर लिया और यहाँ पर आप लोग पहले पूरा इंट्रो देख लो, उसके बाद यहाँ पर देखो दोनों कप्तान हैं पिच के ऊपर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली। तो देखना होगा यहाँ पे टॉस कौन जीतने वाला। तो यहाँ पे टॉस उड़ा रहे हैं विराट कोहली और चेन्नई ने कॉल किया, तो यहाँ पे देखना होगा धोनी टॉस जीतते हैं या फिर विराट कोहली। तो यहाँ पे विराट कोहली ने टॉस जीत लिया और यहाँ पर मैं चूज़ करने वाला हूँ बैटिंग। तो गाइज़ यहाँ पे RCB तरफ से खेलने आएंगे देवदत्त पार्टिकल और विराट कोहली। तो यहाँ पर चलिए गाइज़ बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते और आपको पूरा गेम प्ले दिखाते। तो गाइज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम प्ले होने वाला है। तो यहाँ पर बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं लुंगी एंगिडी। तो यहाँ पे पहली गेंद और देवदत्त पार्टिकल ने स्ट्राइक पे, तो देखना होगा 6 गेंदें हैं दोनों टीम के पास और दोनों बैट्समैन और बॉलर को अच्छी बॉलिंग करनी होगी और बल्लेबाज को अच्छी बैटिंग करनी होगी। तो यहाँ पे यार पहली गेंद तो बीट हो गई है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी बॉलिंग की, मैंने गलत शॉट प्ले कर दिया था। तो यहाँ पे दूसरी गेंद और ये बॉल यार बहुत शॉर्ट है, तो ये बॉल मुझसे कनेक्ट ही नहीं हुई। तो यहाँ पे यार 2 गेंदें अभी तक बहुत अच्छी डाल दी लुंगी एंगिडी ने। तो अभी भी RCB के पास है 4 गेंद और RCB को कम से कम 4 गेंदों में 2 से 3 छक्के या फिर 2 से 3 चौके लगाने पड़ेंगे अगर मैच को जीतना है। तो यहाँ पे तीसरी गेंद पे बल्ले से बॉल कनेक्ट हो गई और यहाँ पे तीसरी गेंद में बहुत ही बेहतरीन छक्का लगा दिया है यहाँ पे देवदत्त पार्टिकल ने लुंगी एंगिडी को। यहाँ पे यार रिप्ले इसका देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्रिकेट 19 का। तो यहाँ पे एक बहुत ही लंबा छक्का लगा दिया है। तो यहाँ पे अब देखना होगा क्या चौथी गेंद पे भी बड़ा शॉट हिट कर पाते हैं देवदत्त पार्टिकल या फिर लुंगी एंगिडी यहाँ पे फिर से बीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे चौथी गेंद, यहाँ पे टाइमिंग थोड़ी यार लेट हुई, मतलब ओके टाइमिंग है लेकिन ओके टाइमिंग में आप लोग आउट हो जाओगे। तो यहाँ पे यार एक गजब का कैच कर लिया गया है, तो यहाँ पे यार आउट हो गए हैं देवदत्त पार्टिकल और यहाँ पे CSK ने पूरे मैच के ऊपर अपना पकड़ बना के रखा है। तो यहाँ पे 6 रन बने हैं, 4 गेंदें हो चुकी है और यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए हैं AB डिविलियर्स। तो यहाँ पे इनको यार बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 5वीं गेंद है, देखना होगा ये बहुत ही अच्छा शॉट और यहाँ पे मिलेगा 6 रन। तो अब यार यहाँ पे अभी भी 1 गेंद बाकी है RCB के पास और देखना होगा क्या RCB 18 रन या फिर 16 रन क्रिएट कर पाती है, क्योंकि आखिरी गेंद पर अगर चौका लग गया तो 16 रन बनेंगे, छक्का लग गया तो 18 रन बनेंगे। तो देखना होगा AB डिविलियर्स सामने कौन सा शॉट खेलेंगे। तो यहाँ पे यार पीली गेंद आ गई, मतलब पीली जब लाइन आ जाए तो अच्छे टाइमिंग होती नहीं। तो यहाँ पे यार आउट हो चुके हैं AB डिविलियर्स। तो यहाँ पे RCB ने बनाए हैं 1 ओवर में 12 रन और CSK को चेस करने हैं 13 रन। तो गाइस चलो आपको दिखाता हूँ अब सेकेंड इनिंग का गेम प्ले कि कौन जीतता है। तो यहाँ पे CSK के दोनों बल्लेबाज क्रीज पे आ चुके और बॉलिंग करने वाले ग्लेन मैक्सवेल, तो यार 13 रन चाहिए 6 गेंदों में। पहली गेंद पर यहाँ पे बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया, यहाँ पे कैच आउट हो सकते हैं लेकिन फील्डर ने थोड़ा सा मिस कर दिया यहाँ पे 2 रन की कोशिश। लेकिन यहाँ पे अगर डबल भागते तो यहाँ पे विकेट होने का चांस था। तो अब यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ स्ट्राइक पे चाहिए 5 गेंदों में 12 रन। तो देखना होगा ऋतुराज क्या कर पाते। तो यहाँ पे दूसरी गेंद बड़े शॉट का प्रयास किया है, टाइमिंग यार उतनी अच्छी हो नहीं रही। तो यहाँ पे 2 रन का प्रयास करने वाले हैं, देखना होगा क्या रनआउट होते हैं। तो यहाँ पे यार ग्लेन मैक्सवेल अपने काम में बिजी नहीं तो यहाँ पे आउट हो जाते। तो यहाँ पे 2 गेंदों में हो चुके हैं, 3 रन अब चाहिए 10 रन 4 गेंदों में। तो ये गेंद यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये गैप में खेलने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे ये गेंद यार मेरे हिसाब से गैप में गई और यहाँ पे चौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पे चौका मिल गया है, तो यहाँ पे अब चाहिए CSK को 6 रन 3 गेंदों और ये मैच अब बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पे आ चुका है। तो यहाँ पे देखना होगा क्या यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ चौका मार के या फिर सिक्सर मार के मैच को फिनिश कर सकते। तो यहाँ पे यार बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग हुई है और इसी के साथ स्ट्रेट शॉट खेल के छक्का लगा के यहाँ पे मैच को फिनिश किया है। तो यहाँ पे CSK ने सुपर ओवर को बिल्कुल आसानी से विन कर लिया है। तो गाइस अगर आपको यार वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस चलो अब आपसे मिलूंगा मैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और देखो ये ग्लेन मैक्सवेल पुरानी गांव भाग के जा रहा है। तो गाइस चलो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।